जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारी काउंसलिंग गाइड 2021 अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक डाउनलोड नहीं किए बच्चों, तो आप इस ई बुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। ई बुक बहुत ही बच्चों ने डाउनलोड कर ली, 1000+ अभी भी डाउनलोड नहीं हुई है बच्चों, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा कि कैसे उसे डाउनलोड करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं HBTU। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में, उत्तर HBTU, जिसको कि बहुत सारे बच्चे पसंद करते हैं और चाहते हैं कि इसमें हम एडमिशन्स ले सकें। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके फैक्ट्स की बात करें तो बच्चों, ये IIT कानपुर से भी पुराना इंस्टीट्यूट है HBTU आपका, एंड बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। लम्स हम इसमें वो सारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं जो कि बाकी इंस्टीट्यूट्स में नहीं मौजूद हैं और नहीं मिल पाती हमें। अगर कोई बच्चा ऑयल, पेंट, फूड, लेदर ऐसी ब्रांच से भी करने में इंटरेस्टेड है, रेयर ब्रांच से करने में इंटरेस्टेड रहता है, तो HBTU सबसे पहली पसंद है उन सारे बच्चों की जो कि ऐसे रेयर ब्रांचेस से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। बच्चों आई होप आपको इन सब ब्रांचेस का भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट हम आपको थोड़ा सा इन ब्रांचेस का भी बाद में आइडिया देते रहेंगे कि ये टॉप की ब्रांचेस आप इसमें अगर एडमिशन्स लेते हैं तो आपको क्या क्या आगे स्कोप मिल सकते हैं। तो आज हम इसमें बात करने वाले प्लेसमेंट्स, पैकेज एंड इसमें क्या क्या कट ऑफ रहते हैं जिससे कि आप एडमिशन्स ले सकते हैं HBTU में। तो चलो हम बात करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक भी कर लेना है। तो चलो बढ़ते हैं, HBTU को देख लेते हैं अच्छे से। इसका अगर हम रैंकिंग देखें सबसे पहले, तो रैंकिंग अगर देखें 2020 की, अगर NIRF रैंकिंग में जाते हैं सबसे पहले, NIRF रैंकिंग में हम देखते हैं बच्चों 166 इसकी NIRF रैंकिंग है। आउटलुक 27, इंडिया टुडे 21 रैंकिंग दे रखी है। तो ये रैंकिंग बहुत, रैंकिंग वाइज भी बहुत अच्छा एंड टॉप का इंस्टीट्यूट आता है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1921 का है, बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है ये गवर्नमेंट का, एंड इसीलिए ये सबसे पसंदीदा कॉलेज है। पहले UPDU से इसमें एडमिशन्स होते थे और बहुत ही कम रैंक पे बच्चों ये इंस्टीट्यूट मिला करता था। 2000-3000 रैंक के बाद ये इंस्टीट्यूट बच्चों को नहीं मिल पाता था। अब ये JEE मेन से लेता है और JEE मेन से इसमें क्या कट ऑफ रहते हैं ये हम चलो अभी देखेंगे थोड़ी देर में। अभी हम देख लेते हैं इसके पैकेज का, थोड़ा सा इसका पैकेज एंड प्लेसमेंट में थोड़ी नज़र देखते हैं। कॉलेजेस कौन, कंपनीज सॉरी बच्चों, कौन कौन सी आती हैं, आपको कंपनीज कौन कौन से इसमें ऑफर दे सकती हैं। अगर हम देखें सबसे हाईएस्ट जो पैकेज गया बच्चों, वो 43.5 लाख पर एनम का प्लेसमेंट गया है बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। नेक्स्ट देखें 13 लाख का पैकेज गया है, सैमसंग ने दिया है। देन 12 लाख, ऐसे आपको एवरेज पैकेज देखें बच्चों तो 10 से 12 लाख तक का एवरेज प्लेसमेंट इसमें मिल ही जाता है, और हाईएस्ट हमने देख ही लिया है 43-44 के आसपास इसमें हमें हाईएस्ट इसमें पैकेज देखने को मिला है लास्ट ईयर में। और अगर हम इसमें प्लेसमेंट में देखें बच्चों, 10 लाख का जैसे इसमें पैकेज मिला है, ओयो रूम्स ने भी दिया है, ऐसी कंपनीज आती रहती हैं, सैमसंग हो गई, ओयो हो गई आपकी, मीडिया टेक हो गई, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, ये सारी कंपनीज, ऐसी और भी कंपनीज हैं जो कि इसमें अच्छी अच्छी रेप्यूटेड कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर आके रिक्रूटमेंट्स में आपको ऑफर्स देती हैं। तो यहाँ का दैट मीन्स हम देख सकते हैं, अगर ये कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं दैट मीन्स ये इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा है और प्लेसमेंट वाइज भी बहुत अच्छा। अगर आप यहाँ से इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं, अगर आप यहाँ से एडमिशन्स ले पाते हैं तो आपको बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। बात करें अगर हम अदर ब्रांचेस की, तो अदर ब्रांचेस में भी एशियन पेंट्स है, बर्जर पेंट्स है, ऐसी जितनी भी अदर सेक्टर्स में कंपनीज़ हैं, टेक्सटाइल, लेदर, ऑयल, पेंट, फूड, लेदर, अगर यहाँ से आप इंजीनियरिंग करते हैं तो इसमें भी प्लेसमेंट्स एंड पैकेजेस बहुत ही अच्छा देता है HBTU कानपुर। और इसमें आपको जो कंपनीज रहती हैं वो आपकी फील्ड में ही रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें प्लस पॉइंट हैं HBTU के बारे में अगर आप HBTU से इंजीनियरिंग करते हैं। आगे हम देख लेते हैं बच्चों प्लेसमेंट से, अगर हम आगे थोड़ा सा इसमें देखें प्लेसमेंट के बाद इसमें क्या चीज़ें हैं, कट ऑफ में देखें बच्चों, कट ऑफ जो रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों जो अपने अपनी जो ये काउंसलिंग्स कराते हैं HBTU, जो अपने लेवल पे काउंसलिंग होती हैं, उसके बाद आपकी जो मेन चार आपके राउंड्स होते हैं, इसके बाद अगर सीट्स वैकेंट रहती तो वो कॉलेज में अपना स्पॉट राउंड भी कंडक्ट कराते हैं, 2-3 स्पॉट राउंड्स भी होते हैं और उससे भी एडमिशन्स लिया जा सकता है। तो काफ़ी पेशेंटली अगर आप इसमें काउंसलिंग्स करते रहेंगे तो हो सकता है आपको इसमें एडमिशन्स मिल पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कट ऑफ देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें, अगर हम सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ देखें बच्चों जनरल कैटेगरी के लिए, तो लम्स हम 95% के आसपास आपकी परसेंटाइल होना अगर आपकी है तो आप इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। 45,000 तक दैट मीन्स ऑलमोस्ट अगर रैंक आती है
तो आपको मिल सकता है। EWS में देखें 90% OBC 93% के आसपास एंड SC कैटेगरी 78, ST 54%, दैट मीन्स 4 लाख रैंक तक भी आपको इसमें सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिलने के पूरी चांसेस हैं। वीडियो पूरा एंड तक देखना है। जितने ही बच्चे HBDU कानपुर में एडमिशन्स लेना चाहते हैं और उनका सपना है, ड्रीम कॉलेज है, तो इसको ज़रूर देख लेना है। बायोकेमिकल में देखते हैं 93% EWS 76% के आसपास, देन OBC 72-71% SC के लिए एंड 30% तक, दैट मीन्स 6,30,000 तक ST कैटेगरी में भी इसमें एडमिशन मिला है बायोकेमिकल में। नेक्स्ट हम देखें केमिकल ब्रांच 95% जनरल कैटेगरी, 92% फॉर EWS, 93 फॉर OBC कैटेगरी, देन SC के लिए 75% एंड ST के लिए 50% तक भी इसमें ये आपको ब्रांच मिल सकती है। केमिकल अच्छी ब्रांच है, HBDU में केमिकल भी अच्छी ब्रांच मानी जाती है क्योंकि ये भी कोर ब्रांच में आती है केमिकल ब्रांच भी। CS में देख लेते हैं 97% तक आपको इसमें CS मिल सकती है, देन आपको EWS कैटेगरी में 97.51% तक, 96.89 तक आपकी OBC कैटेगरी, 86.04% तक ST कैटेगरी तक, दैट मीन्स 1,25,000 तक ऑलमोस्ट। ST के लिए 2,87,000 तक आपको चांसेस है बच्चों की आपको इसमें मिल सकती है। कौन सी ब्रांच? कंप्यूटर साइंस, जो कि बहुत ही ड्रीम ब्रांच है आप सभी बच्चों की। एंड इसमें अगर आपकी ये सारी रैंक्स तक अगर आपकी रैंक आ रही है बच्चों, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको HBDU जैसा इंस्टीट्यूट मिल सकता है। तो हाँ दोस्तों, हाँ बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंकिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहना। डबल ई ब्रांच देख लेते हैं बच्चों, 96% आपकी जनरल कैटेगरी, 95% तक आपकी अगर EWS कैटेगरी है 41,000 तक ऑलमोस्ट, देन आपकी 94.54%, दैट मीन्स 52,000 तक ऑलमोस्ट OBC कैटेगरी, देन 1,98,000 तक आपकी SC कैटेगरी एंड 2,96,000 तक ST कैटेगरी तक में आपको डबल ई ब्रांच बच्चों मिल सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। नेक्स्ट हम देखें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अभी यहाँ पे बात करते हैं हम बाकी अदर ब्रांचेस की, बहुत अच्छी ब्रांचेस हैं, रेयर ब्रांचेस हैं। तो बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम मैक्सिमम से मैक्सिमम में किस रैंक तक कोई भी ब्रांच मिल जाए HBDU में, तो वो सारे डाउट्स आज हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे डाउट्स पूछते हैं कि मैम मुझे लेदर लेनी है या मुझे पेंट ब्रांच लेनी है, तो मैं कहाँ तक एक्सपेक्ट करूँ कि मुझे ये इंस्टीट्यूट मिल सकता है, तो ये सारे डाउट्स हमने इसमें कवर कर लेने हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जनरल कैटेगरी 32,000 तक ऑलमोस्ट, EWS 36,000 तक ऑलमोस्ट, OBC में 43,000 तक ऑलमोस्ट बच्चों, SC के लिए 1,86,000 एंड ST के लिए 4,22,000 तक बच्चों चांसेस हैं कि आपको इसमें मिली है, लास्ट ईयर तक मिली है, दैट मीन्स इस साल भी आपको चांसेस हैं कि आपको मिल सकती है ये सारी ब्रांचेस। फूड टेक में देख लेते हैं 62,000 तक, 1,98,000 तक EWS, देन 76,400 तक SC के लिए, 2,77,000 एंड ST के लिए 4,49,000 तक आपको बच्चों ये ब्रांच मिलती हुई दिख रही है। तो ये कोई एंड रिजल्ट नहीं है, इसके बाद भी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। अभी फ़िलहाल जो काउंसलिंग्स हुई हैं आपकी, जो 4 राउंड्स हुए थे, उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। IT के लिए देख लेते हैं 26,000 तक, 27,000 EWS, 37,000 ऑलमोस्ट OBC एंड 1,43,000 फॉर SC एंड 3,09,000 फॉर ST कैटेगरी के लिए। लेदर का देख लेते हैं थोड़ा सा, 63,000 ऑलमोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए, 65,000 के लिए ऑलमोस्ट EWS, 75,000 ऑलमोस्ट OBC, 2,73,000 बच्चों ऑलमोस्ट SC कैटेगरी एंड 6,98,000 तक बच्चों ST कैटेगरी में ये आपको लेदर ब्रांच भी मिली हुई दिख रही है। नेक्स्ट हम देखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बहुत ही अच्छी ब्रांच है मैकेनिकल, बच्चा लेना चाहता है इस ब्रांच को HBDU में, 40,000 तक ऑलमोस्ट मिल जाएगी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को, 42,000 तक ऑलमोस्ट मिल जाएगी इसमें EWS के कैंडिडेट को, 57 तक बच्चों OBC में, 1,99,000 तक SC में एंड आपको 3,37,000 तक आपको मिल जाएगी ST कैटेगरी में, आपको ये ब्रांच मिल जाएगी। कौन सी? मैकेनिकल ब्रांच। तो बहुत ही अच्छी ब्रांच है बच्चों, जितने भी स्टूडेंट्स JEE मेंस का एग्ज़ाम देंगे और फिर उनको अपने ही स्टेट में उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना है, तो सबसे नंबर वन पसंद है, सबसे नंबर वन चॉइस है आपकी HBDU, प्लेसमेंट वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ही है, ओके है,
एंड आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छा जाता है। अगर आपको कोई भी इसमें ब्रांच मिल रही है बच्चों, तो उसका बिल्कुल, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें ले सकते हैं, बिल्कुल आँख बंद करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको मिल रहा है इसमें। नेक्स्ट हम देखें ऑयल पेंट, ऐसी ब्रांच भी, रेयर ब्रांच भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑयल ब्रांच 958,000 तक, EWS में 62,000 तक, OBC के लिए 72,000, SC के लिए 2,57,000, ST के लिए 4,49,000 तक भी इसमें चांसेस है ऑयल ब्रांच तक मिल जाएगी। प्लास्टिक देखते हैं 61,000 तक ऑलमोस्ट, 72,000 तक OBC कैटेगरी के लिए, देन आपका 2,66,000 फॉर SC एंड 7,18,000 तक आपका ST कैटेगरी तक भी, ये 7,18,000 तक भी मिलता हुआ मैं दिखा है। कौन सी ब्रांच? प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये आपकी कुछ ब्रांचेज हैं। पेंट का भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है 51,00,000 जनरल कैटेगरी के लिए, ST के लिए 6,18,000 तक इसमें मिला है। तो ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। काउंसलिंग अगर आप करते हैं एंड तक, जो कॉलेज लेवल तक भी जो राउंड्स होते हैं वहाँ तक अगर आप काउंसलिंग करते हैं, तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये इंस्टीट्यूट आपकी ब्रांच में आपको हो सकता है आपको मिल जाए एडमिशन। अगर नहीं भी मिल पा रहा है तो ऐसे अदर ऑप्शंस भी हैं कॉलेजेस के, वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल आप HBTU को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना। ऐसा आपको जितने भी कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी चीज़ें हम आपको इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस चैनल को बहुत अच्छे से देखते रहिए और हमें ऐसे ही पसंद करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। और ई बुक ऐसे ही डाउनलोड करिए और हमें बहुत सारा लाइक दीजिए, कॉमेंट दीजिए। थैंक यू बच्चों। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक डाउनलोड नहीं किए बच्चों, तो आप इस ई बुक को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है।